morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss a new topic, properties of addition. Properties of addition is four types. First, closure property. What is closure property? Closure property जो होता है वो अगर कोई टू होल नंबर हो तो उसका सम क्या होगा? होल नंबर होगा. इस प्रॉपर्टी के मात्रों से ये समझेंगे, अगर कोई टू होल नंबर का जो दिया गया है उसका सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. फर्स्ट एग्जांपल, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, देन ए प्लस बी इक्वल टू, ए के जगह पे हम क्या लिए हैं? टू प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा? फाइव. इस ऑल्सो इज होल नंबर. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए इक्वल टू एट, बी इक्वल टू फाइव, ए प्लस बी ऑल्सो इज होल नंबर होना चाहिए. ए के जगह पे क्या होगा? एट पुट करेंगे. बी के जगह पे क्या पुट करेंगे? फाइव पुट करेंगे. 8 प्लस 5 इसका तो क्या होगा? 30. इस तरह से इस क्लोजर प्रॉपर्टी से ये समझ में आ रहा है, अगर कोई टू होल नंबर दिया हुआ है उसका सम क्या होगा? होल नंबर ही होगा. इस प्रॉपर्टी से ये हमको मिल रहा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ जो होता है इसमें दिया गया है इफ ए एंड बी आर इन टू होल नंबर, यानी ए और बी अगर होल नंबर दिया गया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं. कैसे? एग्जाम्पल, अगर ए के जगह पे वन लिए हैं, बी के जगह पे अगर टू लिए हैं, तो यहां पे क्या ए के जगह पे वन लिए हैं पुट किए हैं, बी के जगह पे टू पुट किए हैं, तो बी के जगह पे यहाँ पे टू पुट करेंगे और ए के जगह पे वन पुट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा? कम्यूटेटिव लॉ होगा. हम नेक्स्ट चलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. एडिटिव प्रॉपर्टी जीरो का मतलब ये हुआ, अगर ए होल नंबर हो, यानी कोई होल नंबर हो उसमें अगर जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? सेम नंबर आएगा. यानी एट में अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एट आएगा. उसी तरह जीरो प्लस एट, यानी जीरो प्लस एट इसका टू क्या होगा? एट. यानी इस लॉ से ये आ रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब ये हो गया, अगर ए अगर होल नंबर हो उसमें अगर जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो ऑलवेज क्या होगा? वो होल नंबर होगा. नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है इसमें थ्री प्रॉपर्टी दिया गया है, यानी थ्री होल नंबर रहेगा, यानी ए बी एंड सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी. यानी ए के जगह पर अगर टू ले लिए, बी के जगह पे फाइव ले लिए, सी के जगह पर एट ले लिए, तो इसके वैल्यू पुट करेंगे, यानी टू प्लस फाइव प्लस एट इसका टू. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये होल यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है. यहाँ पे क्या है? ए जो है यहाँ पे क्या हुआ? टू, ए के जगह टू पुट करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पे बी के जगह पे फाइव प्लस सी के जगह पे क्या पुट करना है? एट पुट करना है. अब यहाँ से देखेंगे क्या ये दोनों जो है, ये दोनों अगर होल नंबर है तो इसका क्या सम जो है होल नंबर आ रहा है? देखेंगे फाइव टू सेवन एट फिफ्टीन इसका टू, टू प्लस थर्टीन. यानी यहां से क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों क्या हो रहा है? ऑलवेज होगा. ऑलवेज क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है. ठीक. अब नेक्स्ट एग्जांपल के मेथड से देखेंगे. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 645, 287 एंड 430. अब यहां से क्या करना? ऐड करना है. अब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि एग्जांपल दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि उसका प्रॉपर्टी लिखना है, यानी जो प्रॉपर्टी हम तुम लोग को बताए हैं ये प्रॉपर्टी कहेगा कि लिखने के लिए क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, ये कौन सा प्रॉपर्टी में आएगा. तो एक क्वेश्चन दिया गया ऐड करने के लिए 645 प्लस 287 प्लस 430. तो क्या किए हैं इसको हम 645 प्लस उसके बाद क्या किए हैं स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके 287 प्लस 413 को ले लिए हैं और दोनों को हम ऐड करके
बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एक क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम, एक क्वेश्चन आएगा कि 3678 प्लस 999, तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख दिए, इस टाइप में लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, ये जो है इसमें ये नंबर जो है ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद फिर माइनस 1 जो है ब्रैकेट के बाद रख लिए। अगर इस दोनों नंबर को अगर ऐड किए हैं तो हमको आया है 4678, तो उसमें क्या माइनस करना है, माइनस 1 माइनस करना है, माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4677। इस रूल से भी बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस टाइप का भी रहेगा नेक्स्ट एग्जांपल में 36 × 99, इसको कहेगा ऐड करने के लिए, तो कैसे इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे 36। अब इसको ऐड करना है तो इसको लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखने के बाद इसको लिख देंगे यहां पे 36 प्लस, यहां पे होगा 36 प्लस 100 माइनस 1, इसको ऐड करके करेंगे 136 माइनस 1 कितना आ जाएगा 135। तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से समझाने की कोशिश किए हैं कि इस मेथड से भी और इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को ऐड हम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज 3B में जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप से सॉल्व होंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के माध्यम से सॉल्व होंगे, इसलिए आप इस चैप्टर को सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।